हेलो एवरीवन। तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन संबंधी बात। देखिए, पूरा जो विश्व है वो भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है, ठीक है। पूरा दुनिया जो है COVID-19 की जो सिचुएशन है उससे परेशान है, और उसी बीच में चीन जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत नई नई परियोजनाओं पर लगातार कर रहा है, ठीक है। जो एक हमने देखा था बहुत जो है ये पहले ही करंट अफेयर्स में है, और ये चीज़ें इशू चल रही हैं कि जो POK का एरिया है उसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, उस पर नई इस पर ऑलरेडी जो है इंडिया किस जो है इसके अपोजिशन में है, इंडिया इस चीज़ से इंडिया नाराज़ भी है। तो चीन और पाकिस्तान की आर्थिक कॉरिडोर, उसके बाद भी उसी कॉरिडोर पे बहुत नई नई परियोजनाएं जो है लगातार कार्य कर रहा है चीन उस पर, ठीक है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए जो है ये बहुत ही जो है एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है, चौंकाने वाली स्थिति है। और भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, ठीक है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वन बेल्ट वन रोड है ना, OBOR का एक हिस्सा है जो आपका है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर। और ये हमेशा से ही भारत इसका विरोध करता रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन एवं पाकिस्तान 6 परियोजनाओं पर सहमत हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, POK भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उस पर जो है चीन और पाकिस्तान 6 परियोजनाओं पर सहमति जता चुके हैं वो, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला तो है डायमर भाषा बांध, ठीक है। डायमर भाषा बांध पहला है, और ये किस पे है, और जो POK का एरिया है उसमें भारत और चीन की 6 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से पहला हमारा है डायमर भाषा बांध। क्या है? हाल में ही पाकिस्तान तथा चीन द्वारा डायमर भाषा बांध, जो डायमर भाषा डैम है उसकी परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पहला है डायमर भाषा बांध, याद रखिएगा। इस परियोजना पर पाकिस्तानी सेना की व्यावसायिक इकाई तथा चीनी पावर कॉरपोरेशन ने हस्ताक्षर किया है, तो ये आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन डायमर भाषा बांध आपको जानना है। दूसरा, इसमें क्या है भौगोलिक स्थिति, यह बांध सिंधु नदी पर, कहाँ पे? सिंधु नदी पर। डायमर जो बांध है वो सिंधु नदी पर गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले में तथा खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहिस्तान के बीच स्थित है। तो ये जो है डायमर बांध कहाँ पे है, ये जो है सिंधु नदी पर गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले में खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहिस्तान के बीच में स्थित है। यह परियोजना, इसकी क्षमता जो है 4500 है, 500 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसकी जो बांध है उसकी ऊंचाई है 272 मीटर, और उस पर जो टोटल खर्च है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है 2028 में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं डायमर भाषा बांध कहाँ पे, ये जो है सिंधु नदी पर है, गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहिस्तान में स्थित है ये, ठीक है। इसका जो है 4500 मेगावाट की इसकी क्षमता है, इसकी ऊंचाई 272 मीटर है, और जो है 2028 में पूरा हो जाएगा। दूसरा है कोहला जल विद्युत परियोजना, क्या है? कोहला जल विद्युत परियोजना। पहला था डायमर भाषा बांध, दूसरा है कोहला जल विद्युत परियोजना। ये चीन की परियोजना पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है उसमें झेलम नदी पर है। तो पहला जो है डायमर किस पे था, सिंध नदी पर था, और ये जो कोहला जल विद्युत परियोजना है वो झेलम नदी पर है। कोहला जल विद्युत परियोजना जो है नाम है, झेलम नदी पे है ये, और ये जो है 11.24 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो देखिए, चीन द्वारा इस जल विद्युत परियोजना का खाका पाकिस्तान की प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की 127वीं बैठक के दौरान पेश किया गया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है, पाकिस्तान, इसका उद्देश्य है पाकिस्तान में उपभोक्ताओं हेतु 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ तथा कम लागत वाली विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित कराना। क्या है उद्देश्य? पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली विद्युत को उपलब्ध कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पाकिस्तान में। थर्ड हमारा क्या है, आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना। क्या है? आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना। तो पाकिस्तान तथा चीन ने झेलम नदी पर, फिर से झेलम नदी पर जो है अवस्थित सुधोटी जिले में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ये, आज़ाद पठान परियोजना पर हस्ताक्षर कर लिया है। इसकी जो क्षमता है वो 700 मेगावाट है। कितनी है? 700 मेगावाट है। इस परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, और इस पे जो है खर्च है $1.5 बिलियन, जो इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, ठीक है। हमारा फोर्थ है करोत जल विद्युत परियोजना। तो करोत कहाँ पे? पाकिस्तान, ये भी POK में है, कोटनी जिले में है। कहाँ पे है? कोटनी जिले में झेलम नदी पे है, ठीक है। तो अभी हम सारी झेलम नदी पे देखते चल रहे हैं। पहला जो हमारा था वो किस पे था, वो जो है सिंध नदी पे था, ठीक है। जो डामर भाषा परियोजना थी वो सिंध नदी पे था, जिसका विस्तार पाकिस्तान जो है POK में है और पंजाब राज्य में होगा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चकोटी हट्टियन परियोजना। चकोटी हट्टियन परियोजना पीओके के मुजफ्फराबाद में है। चकोटी हट्टियन परियोजना पीओके के मुजफ्फराबाद में है और इसकी जो क्षमता है 500 मेगावाट की है, 500 मेगावाट की है और ये भी झेलम नदी पर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माही परियोजना। इसमें खैबर पख्तूनवा, कौन सा, खैबर पख्तूनवा में माही नदी पर जो है बना हुआ है और इसकी क्षमता 640 मेगावाट की है। अब भारत का क्या पक्ष है, ये सारी 6 परियोजनाएं जो उन्होंने अपने आप हस्ताक्षर कर लिया है, साइन कर लिया है और इस पे काम भी शुरू हो रहे हैं, तो भारत का क्या पक्ष है। तो देखिए पीओके में होने वाले किसी भी निर्माण का जो है भारत इसका विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है और इसका मानना है कि इस तरीके के कार्यों से उसकी संप्रभुता, हमारी इंडिया की जो संप्रभुता है, सोवरेंटी है, वो जो है इफेक्ट हो रही है, जो है प्रभावित हो रही है, ठीक है। चीन द्वारा ये सारी योजनाएं जो है समर्थित हैं और इन योजनाओं के बनने की सूरत में चीन की, हाँ, चीन की राजनयिक पहुंच भारत के करीब हो जाएगी, ठीक है। चीन का बॉर्डर जो है, चीन थोड़ा भारत के बिल्कुल करीब आ जाएगा, ये सारी योजनाएं अगर संचालित हो गई तो, ठीक है, और भारत को उससे खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है एक डिप्लोमेसी भी है इस तरीके की कि भारत को किस तरीके से हम घेर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है, देखिए चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है CPEC, ठीक है, CPEC पाकिस्तान के ग्वादर से लेके, पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसका नाम है ग्वादर, ग्वादर से लेके चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर की लंबी वाणिज्यिक परियोजना है, ठीक है। CPEC क्या है, CPEC जो है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर में लगभग 2442 किलोमीटर एक लंबी वाणिज्यिक परियोजना है। इसकी लागत जो है $46 अरब आकी जा रही है और पाकिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निवेश कर रहा है चीन कि वो 2008 से पाकिस्तान में होने वाली सभी प्रत्यक्ष विदेशी FDI के दुगने से भी ज़्यादा है। 2008 से लेकर अभी तक जितना भी पाकिस्तान में FDI हुआ है उसका दुगना जो है अकेले ही चाइना इन्वेस्ट कर दे रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। ये जो निवेश है 2002 से अब तक पाकिस्तान को अमेरिका से मिली जो कुल आर्थिक सहायता से भी ज़्यादा है, 2001 साल की नहीं बात कर रहे हैं, 2002 से अब तक जितनी सहायता मिली है उससे भी ज़्यादा है। 2016 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत 4 लेन वाहन मार्ग की आधारशिला रखी गई है, 4 लेन वाहन मार्ग की जो है आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है इस परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य देखते, देखिए ये परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे और हाईवे के माध्यम से, किसके, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना, ठीक है, ऑयल और जो है गैस का बहुत ही कम समय में जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इसमें सड़कें, रेलवे पाइपलाइन, जल विद्युत संयंत्र और ग्वादर बंदरगाह का विकास, ठीक है, जो ग्वादर बंदरगाह है, जो पाकिस्तान का बंदरगाह है उसका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें और अन्य विकास परियोजनाएं भी जो है उनको विकसित, उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। देखिए ग्वादर बंदरगाह को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन के तक सीधे जो है भेजने में सक्षम हो, ठीक है, तो 19 मिलियन टन जो है तेल सीधे जो है चीन को मिल जाए, इस तरीके से ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। भारत आखिर में विरोध क्यों कर रहा है, तो भारत इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि ये जो गलियारा है, जो आर्थिक गलियारा है, ये पीओके से होकर गुजरता है, पीओके के गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होकर जाएगा। यातायात और ऊर्जा का मिला जुला यह प्रोजेक्ट समंदर में बंदरगाह को विकसित करेगा जो भारतीय हिंद महासागर तक चीन की पहुंच को रास्ता खोल देगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो है समंदर में प्रोजेक्ट जो है ये समंदर में बंदरगाह को विकसित करने का काम करेगा जिससे जो है भारत और जो चीन है उसकी जो आपकी उसके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो कम हो जाएंगी। जो बफर स्टेट का आप समझते हैं, बफर स्टेट क्या होता है कि मान लीजिए ये चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है, चाइना और इंडिया है और बीच का ये पतला सा जो जोन दिख रहा है ये बफर स्टेट है, दोनों के बीच का गैप। लेकिन अगर ये बफर स्टेट को कोई जो चीन मान लो जी ऑक्यूपाई कर लेता है तो दोनों की सीमाएं सट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बफर जो स्टेट है वो बनने की जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दोनों जो है कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सके और इससे भारत को खतरा है। अब नेक्स्ट हमारा है इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इस्तांबुल कन्वेंशन में देखिए पहले ही यूरोपीय देश पोलैंड ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है, समझिए बात को। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है कि यूरोप के जो एक कंट्री है पोलैंड, ठीक है, पोलैंड ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है। अब पोलैंड का क्या तर्क है, पोलैंड का ये तर्क है इस संधि से पृथक होने के कारण संधि के प्रति इसकी नवीन दृष्टिकोण है, ठीक है,
पोलैंड का नवीन दृष्टिकोण जो है इसकी वजह से वो अलग हो रहा है, जिसके अनुसार पोलैंड का मत ये है कि यह संधि हानिकारक है क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यालयों में लैंगिक विषमता जेंडर इनइक्वलिटी के विषय में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि जेंडर इनइक्वलिटी के विषय में जो है पढ़ाया जाए, तो इसलिए जो है वो अलग होने का उन्होंने निर्णय किया है। इसके अलावा पोलैंड का यह मानना है कि यह संधि जैविक लैंगिकता के विपरीत, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता, जैविक लैंगिकता, बायोलॉजिकल जो जैविक लैंगिकता है उसके विपरीत सामाजिक और सांस्कृतिक लैंगिकता के के निर्माण की कोशिश कर रहा है। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, देखिए इसमें इस्तांबुल कन्वेंशन में महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने के लिए यूरोपीय समझौता है, काउंसिल फॉर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये चीज़ है हमारा इस्तांबुल समझौता। ये समझौता महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें महिलाएं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और महिला जो है, देखिए इसमें फीमेल जेनिटल क्या है, अंग भंग, म्यूटिलेशन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM तथा सम्मान आधारित हिंसा ऑनर बेस्ड वायलेंस और बलात् विवाह को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। अब क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए सरकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। देश की सरकार के द्वारा अधिसमय की पुष्टि किए जाने के पश्चात यह जो संधि है उसका पालन करने की कानूनी रूप से बाध्य होंगे। अगर वो एग्री हो जाते हैं, अगर वो जो है साइन कर देते हैं संधि पर, तो उसका पालन करने के लिए कानूनी रूप से वो बाध्य होंगे जो भी कंट्री साइन करती है। ठीक है, और पोलैंड बाहर निकल चुका है, आप ध्यान रखिएगा इसको। 2019 तक इस संधि पर 45 देश 19 तक तो इस संधि पर 45 देशों तथा यूरोपीय संघ है उसने हस्ताक्षर किए थे। तो 45 देश और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किया था। इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट हमारा है भारत यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट्स। ठीक है, इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट्स क्या है, देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वर्चुअल समिट जो है संपन्न। वर्चुअल मतलब समझते हैं ना कि फिजिकली कोई समिट नहीं हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है वो वर्चुअल हो रही है। तो विदित हो कि क्या है, दोनों पार्टी चाहे वो इंडिया हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो जो है इसके द्वारा आयोजित, दोनों पार्टियों के द्वारा आयोजित ये 15वां शिखर सम्मेलन था। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये इंडिया यूरोपियन यूनियन जो आपका वर्चुअल समिट है वो 15वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, 2020 से 2025 पाँच वर्ष के लिए वैज्ञानिक सहयोग, ठीक है, जो है 2020 से 2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग के लिए नवीनीकरण हेतु राजी हो गए हैं दोनों, और दोनों जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 2001 में हुआ यह समझौता 17 मई 2020 को समाप्त हो गया था और फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया। अब इस समझौते में जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक, जैव स्वायत्तता, एकीकृत साइबर प्रौद्योगिकी प्रणाली और सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान तथा नवाचार सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग क्या, कौन से सहयोग किया गया है विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो देखते हैं। देखिए भारत और जो यूरोपीय यूनियन है, इंडिया और यूरोपियन जो यूनियन है हमारा, ठीक है, उसके मध्य स्थापित जो क्या चीज़ है आपका, प्रौद्योगिकी संचालन समिति की वार्षिक बैठक आयोजित होती है। क्या होती है, प्रौद्योगिकी संचालक समिति की जो है वार्षिक बैठक संचालित होती है। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अब देखिए कुलभूषण जाधव प्रकरण को हम देखेंगे। कुलभूषण जाधव प्रकरण क्या है, आपको पता होगा कि हमारे देश के कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की तरफ से जो है उनको जो है काउंसलर एक्सेस प्रदान करने के लिए पहले वो कतरा रहा था कि इंडिया उनको काउंसलर एक्सेस प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जो है काउंसलर एक्सेस प्रदान करने के लिए वो सहमत हो चुका है। देख लीजिए एक बार, 16 जुलाई 2020 को पाकिस्तान ने यह घोषणा कर दी है कि कुलभूषण जो जाधव हैं उनको काउंसलर एक्सेस प्रदान करेगा पाकिस्तान। ठीक है, 15 जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को तुरंत जो है काउंसलर एक्सेस प्रदान करने के लिए आदेश दिया था, हालांकि भारत के अनुरोध से को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ठुकरा दिया था। जो भारत का अनुरोध था कि जाधव को रिहा करने को लेके जो अनुरोध था भारत का, उसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ठुकरा दिया था, लेकिन काउंसलर एक्सेस जो है पाकिस्तान को देने के लिए जो है ऑर्डर दिया था। ठीक है ना,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट के लिए रूस का भारत को समर्थन। ठीक है, देखिए भारत रूस और चीन, ठीक है, यह रूस चीन भारत RIC, ठीक है, रशिया इंडिया एंड चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कब हुई है ये? 23 जून 2020 को आयोजित की गई थी और इस त्रिपक्षीय आभासी बैठक, आभासी है, वर्चुअल बैठक ये भी थी, उसकी मेजबानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ठीक है, सर्गेई लावरोव ने किया। और रशिया इंडिया और चाइना की बैठक द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है, मतलब ये बैठक किस लिए हुई थी? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समापन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 75th वर्षगांठ मनाने के लिए ये बैठक का आयोजन किया था। मेन पॉइंट्स क्या है इस बैठक में देख लेते हैं। वर्षों से रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को के प्रवेश को समर्थन किया था। देखिए जो स्थायी, अब ये जान लीजिए यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 जो है क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके, जो 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर्स होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीटो पावर किसी भी मुद्दे को जो है उसको विश्व पटल पर रखने के लिए, उसको अपनी अपनी बातों को जो है विश्व पटल पर रखने के लिए और उसको मनवाने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीटो पावर का कोई बार बार, जैसे देखिए चाइना बार बार वीटो पावर जो है का मिसयूज़ कर रहा है अपने, कोई भी जो है कोई चीज़ है उसको पारित होने ही नहीं दे रहा। तो इस तरीके से जो 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स, उनके पास वीटो पावर होती है, लेकिन बाकी के जो 10 मेंबर्स उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। तो इसलिए जो है इसके जो आपका भारत का प्रवेश का समर्थन किया है जो है स्थायी सदस्य में, तो देखिए स्थायी सदस्य में सिर्फ 5 सदस्य हैं और उनको एक्सपेंड भी नहीं किया जा रहा, उनको बढ़ाया भी नहीं जा रहा है कि 5 से जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ये पावर को शेयर नहीं करना चाहते। एक तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हम कहेंगे इसको, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुई जब पावर को शेयर करना ही नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। तो जो है चाइना या रशिया ये चाह रहा है कि इंडिया भी जो है उसमें शामिल हो जाए। ठीक है ना, देखिए RIC की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए रूस को मजबूत समर्थन जो है का समर्थन व्यक्त किया है कि रूस आपके साथ है, आप जो है उसमें आपका जो परमानेंट जो मेंबर है आप उसका परमानेंट मेंबर का हिस्सा बनिए, रूस जो है समर्थन कर रहा है। 17 जून 2020 को भारत 194 में से 184 जो है वोट हासिल करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बना। ठीक है, स्थायी सदस्य बना। तो जो है 17 जून 2020 को भारत जो है 192 में से 184 जो है वोट हासिल करके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बना। अब चीन द्वारा नदियों के प्रवाह को मोड़कर नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा, तो चीन ने क्या किया है, नदियों का जो प्रवाह है उसको मोड़ दिया है और जो है चाइना के कुछ एरियाज पे उसने जो है को कैप्चर कर दिया उसने। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक जो है रिपोर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि चीन ने प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करने वाली नदियों के प्रवाह को, जो प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य कर रही हैं नदियां बाउंड्री का काम कर रही हैं, उनके डायरेक्शन को मोड़कर नेपाल के कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया है उसने। रिपोर्ट के अनुसार 11 स्थानों पर यहाँ चीनियों ने नेपालियों के क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। ठीक है, 11 स्थानों पर चीनियों ने नेपालियों के जो है एरियाज का अतिक्रमण किया, 10 स्थानों पर चीनियों ने नदियों के बहाव के अतिक्रमण के लिए मोड़ दिया गया है। ठीक है, नदियों का प्रवाह मोड़ दिया गया ताकि वो एरिया को अतिक्रमण कर सके, उसको कैप्चर कर सके। इन 10 स्थानों पर चीन द्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 33 हेक्टेयर है। ठीक है ना, तो ओपी शर्मा जो ओली हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये विवादित बयान दिया कि जो है इंडिया में जो आपका ये अयोध्या है, ठीक है, वो अयोध्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है और जो है वो बहुत खुल के सपोर्टर हैं, बहुत ही ओपनली जो सपोर्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को अपोज करने के लिए जाना जाता है केपी शर्मा ओली को, लेकिन जो है ये आपका चाइना देखिए इनकी एरियाज को आप कब्जा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नदियों का प्रवाह मोड़ मोड़ के इनके एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है, हुमला ज़िला, ठीक है, हुमला ज़िला है वो बागदारे खोला नदी और करनाली नदी के मार्ग को जो है मोड़ दिया गया है। इस मोड़ से चीन ने अपने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के तहत 10 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। अब दूसरा क्या है, रसुआ जिला, इसमें 3 नदियां जब्बू खोला सिंजेन और भुलजुक
उसको जो है उसके मार्ग को मोड़कर लगभग 6 हेक्टेयर की जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। फिर है सिंधु पालचौक जिला, इसमें जो है चीन द्वारा अपने क्षेत्र के रूप में 11 हेक्टेयर भूमि का दावा पहले ही किया जा चुका था और यह बोट कोसी और खरेनी खोला नदियों के मार्ग को मोड़कर किया गया था। नेक्स्ट हमारा है संखुआ सभा जिला, ठीक है, संखुआ सभा जिला, इसमें 3 नदियों के मार्ग अरुण सुमजंग और काम खोले उसके नदी के जो है प्रवाह को मोड़कर 9 हेक्टेयर जो है ले लिया गया। तो ये पूरा था, कई जगह जो है उन्होंने क्या किया है कि अतिक्रमण करने की कोशिश की है, जमीन जो है उनका जो टेरिटरी है उसको जो है कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये था। अब देखिए 15 जून 1920, क्या है, 15 जून 1920 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं इसको, सिप्री का फुल फॉर्म समझ लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनके द्वारा एक नई पुस्तिका जारी की गई है। ये जो है आयुध निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। सिप्री क्या करती है, आयुध मतलब कितने सारे जो है डिफेंस के एरियाज में कितने सारी जो है इक्विपमेंट्स हैं, निशस्त्रीकरण मतलब डिसआर्म जो है उसको डिसआर्म करना मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखती है, उसका आकलन करती है। अब देखिए इस जो है ये अगर हम इनकी पुस्तिका के बारे में अगर देखें तो उसमें समझेंगे कि चीन जो है परमाणु शस्त्रागार 2019 में 290 वारहेड से बढ़कर 220 में 320 वारहेड हो गया है। तो देख लीजिए हर देश का अपना शस्त्रागार होता है, तो ऐसे ही जो चीन का शस्त्रागार है 2019 में उसमें 290 वॉरहेड होते थे और अब जो है 2020 में 320 वॉरहेड हो गया है, ठीक है ना। जबकि भारत में 2019 में 130 से 140 से बढ़ के 2020 में 150 हो गया है, ठीक है, 150 भारत में हो गया है, 130 140 के बीच था और वो 150 हो गया है, ठीक है, चीन का इजाफा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के पास जो है एक 159 to 160 परमाणु वारहेड हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान छोटी सी कंट्री है, वो बहुत ही जो है अपने आप को खतरनाक बनाती जा रही है, तो इसके पास 159 to 160 वारहेड हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान और चीन ने पिछले साल में अपने परमाणु भंडार की वृद्धि की है, ठीक है, अपने परमाणु हथियारों का जो है मॉडर्नाइजेशन भी किया, आधुनिकरण भी किया है। ठीक है, सिप्री स्टॉकहोम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई, इम्पॉर्टेंट है सिप्री के बारे में, इम्पॉर्टेंट है सिप्री की स्थापना जो है 1966 में हुई, 1966 में हुई है और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉकहोम में स्थित है। सिप्री के अनुसार दुनिया के 9 प्रमुख जो परमाणु सशस्त्र युक्त देश हैं उसमें अमेरिका सिप्री के अकॉर्डिंग 9 जो है जो परमाणु जो है कैपेबल कंट्रीज हैं वो कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, साउथ कोरिया और इसराइल। फिर से देख लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इसराइल, ठीक है, ये 9 जो है परमाणु जो है सशस्त्र युद्ध देश हैं। 2020 की शुरुआत में इन देशों के पास 13,400 परमाणु हथियार थे, इसमें से 3,720 परमाणु हथियारों को वर्तमान में तैनात किया गया है और 1,800 को उच्च परिचालन चेतावनी में रखा गया है, मतलब ये बहुत ही अलर्ट वे में है, अलर्ट फेज में है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी कोई जो है स्थिति अगर बन जाए, कहीं अगर हल्की से चिंगारी भी कहीं उठ जाए या थोड़ा सा डिस्प्यूट ही कहीं हो जाए तो ये जो है एक नया विश्व युद्ध ये उसका रूप ले सकता है, तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। देखिए 2019 की तुलना में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी जो है मुख्य रूप से रूस और अमेरिका द्वारा सेनावृत परमाणु हथियारों के विघटन के कारण हुई है। अगर थोड़ी बहुत कमी भी हुई है तो वो जो सेनानिवृत्त हो चुके हैं रूस और अमेरिका के जो परमाणु हथियार हैं उनकी वजह से हुई है। अकेले अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हैं, ठीक है ना, तो यही जो है लोगों को NPT साइन करने का दबाव देते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब अब जो है एक्स्ट्रा जो है परमाणु जो है जाँच और टेस्ट और जो है हथियार नहीं बना सकते, लेकिन खुद ही जो है विश्व का 90% जो परमाणु हथियार है ये इन्हीं 2 कंट्रीज के पास है, अमेरिका और रूस के पास, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है कि अपने तो अपने इन्होंने बना के रख लिया है परमाणु और दूसरे को ये रोकते हैं कि बनाना नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे में तो अब क्या है ये सुपर पावर फिर से बने रहेंगे, उनको लगेगा कि भाई कंट्रीज डरेंगी, जिसके पास ज़्यादा जो है हथियार है वो लोग जो है भय महसूस करेंगे इन लोगों से, तो ये स्थिति है। गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है, देखिए अमेरिकी कांग्रेस समिति ने हाल में ही महात्मा गांधी एवं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने के लिए कानून जो है पारित किया है, कहाँ पे, अमेरिकी संसद में पारित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो देखिए गांधी किंग विनिमय संधि
के द्वारा क्या होगा? इसका उद्देश्य ये है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी के कार्यों और विरासतों का अध्ययन करने के लिए अमेरिका और भारत के मध्य विनिमय परस्पर आदान प्रदान की पहल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो है विरासत को आगे बढ़ाने के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य एवं नागरिक अधिकार के नेता जॉन लुइस ने जुलाई 2020 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया। अब मेन पॉइंट क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, किंग जो है वो अमेरिका में जाति अलगाववाद और भेदभाव, ठीक है, जाति अलगाववाद और भेदभाव के विरुद्ध चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे विख्यात सशक्तियों एवं नेताओं में से एक थे। तो जो किंग थे, ठीक है, उन्होंने जाति अलगाव और भेदभाव, और आपको पता है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, अपार्थेड बोलते हैं इसको, ये भी जो है कितना ज़्यादा जो है ह्यूमन डिग्निटी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी आपने देखा था कि जो है अफ्रीकन ओरिजिन का कोई पर्सन है उनका नाम, और जो है उनको किसी पुलिस ऑफिसर ने उनके नेक पे जो है अपना गला तब तक रखे रहा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। ठीक है, आप नाम बता सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लक्ष्य 2 में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है आप बिल्कुल बताओ, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि जो है इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसको, तो जो है ज़्यादा बेटर होगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें आप जो है डिटेल में बताया करिए। ठीक है ना, तो उनका जो है इस तरीके से जो नस्ल भेदभाव है, जो अलगाववाद है, जाति अलगाववाद, ये बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका में था। इसके विरोध में जो है किंग ने बहुत ही जो एक अग्रणी नेता होते हैं उसमें से एक थे। ठीक है, प्रतिनिधि सभा में विधेयक HR 5517 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पेश किया गया, और यह भारत और अमेरिका के मध्य प्रगाढ़ दोस्ती की को पुष्टि करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन खोज ही लेते हैं दोस्ती करने के लिए। दूसरा हमारा क्या है, इस कानून के तहत वर्ष 2025 तक अगले 5 वर्षों के भीतर $10 लाख की धनराशि का आवंटन किया जाएगा, जिससे गांधी किंग विद्वता आदान प्रदान की पहल का भी प्रस्ताव किया गया है। तो ये हमारा था, अभी तक हमने कवर किया, और नेक्स्ट में हम जो है इटली का मरीन विवाद को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगी। तो ये जो है कोशिश करूंगी मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आज जो है कवर कर पाऊँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जो है कुछ और चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हमको ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर कर लेनी है, ताकि जो है रिविज़न करने का जो है एक टाइम जो है अच्छा टाइम मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और इसको शेयर भी करिए, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे भी आप हैं इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, या जिनको भी नीड है वो देख लें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।